कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। नारी शक्ति से एमपी शक्तिशाली। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। गोविंदपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सज्जन सिंह परमार हमारे साथ है। कल भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया जिसमें शीर्ष नेतृत्व भी आए थे, कैसा समर्थन मिल रहा है उनको, उनसे बात करते हैं। जी, कल एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, कैसा समर्थन मिला जनता का? हाँ, कल हमारा एक रोड शो था जिसमें हमारी डिप्टी स्पीकर दिल्ली, हमारी बहन राखी बिरला जी आई हुई थी, और बागसुने थाने से लेकर राजा भोज आर्केड तक हमने एक रोड शो करा और मैं एक सभा को संबोधित करके समापन करा, जिसमें जन सैलाब जिस प्रकार से उमड़ा है वो आज गोविंदपुरा की जनता देख रही है, और आम आदमी पार्टी की तरफ इस बार रुख करा है जनता ने गोविंदपुरा की। आज गोविंदपुरा के अंदर मूलभूत सुविधाएँ ढूँढने से नहीं मिल रही है, जनता बड़ी परेशान है, त्रस्त है, और बात करते हैं विकास की। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि यदि उन्हें विकास करा तो वो जनता के बीच में और हाथ जोड़ के विकास के नाम पे वोट मांग के दिखा दे। आप कर रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक रही हैं कई जगह उनका विरोध भी हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, विकास करा होता तो उनका विरोध क्यों होता है? आज जो विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है गोविंदपुरा के हर वार्ड में, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए हो रहा है, क्योंकि आज तक इन्हें 50 साल में खुद का विकास करा है, अपनी पार्टी का विकास करा है, मगर जनता का विकास नहीं हुआ और क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। तो जनता आज मूलभूत सुविधाओं में, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, हमारी जैसे कि आम आदमी पार्टी की एक वो उद्देश्य है कि इसको लाना है जनता के बीच में। आज देखिए आप पेपर उठा के, मैं देख रहा था हमारे केजरीवाल जी का कि दिल्ली के अंदर आज उन्हें 5,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण जो गारंटी दी थी एक ही साल में उन्हें पूरी करके दिखाई। इसी प्रकार हम गोविंदपुरा में जो गारंटियां दी हमारे माननीय केजरीवाल जी ने वो करके दिखाएंगे पूरी। क्या किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या करेंगे अगर आपको जनता चुनती है तो सबसे पहले क्या कुछ कार्य करेंगे यहाँ? देखिए, गोविंदपुरा में कार्य करने के लिए बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, और इस गोविंदपुरा में मूलभूत सुविधाओं में सड़क हो, नाली हो, रोड हो। आज सबसे बड़ी विडम्बना है कि आज हमारे गोविंदपुरा में एक सरकारी कॉलेज नहीं है गर्ल्स, एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है, एक सरकारी अस्पताल नहीं है। तो ये जो भी समस्याएं जनता की है इनको आप पूरे नहीं कर पाए 50 साल में। यदि हम आते हैं तो हम सबसे पहले इस गोविंदपुरा के अंदर इस विधाल गोविंदपुरा को सुधारेंगे, और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, नाली, रोड, पानी, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, और जैसा कि हमारे केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दी हैं उनको पूरा करेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शासकीय इंडस्ट्री एरिया है, उसके बाद भी लोग बेरोजगार हैं, क्या रोजगार के लिए क्या करें? एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है हमारा गोविंदपुरा का कि बेरोजगारी का आलम यह है कि आज यहाँ से पलायन कर रहे हैं छात्र, पढ़े लिखे लोग दूसरे राज्यों में जाकर प्राइवेट नौकरी करने के लिए, जबकि यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें अभी तक फैक्ट्रियाँ पूरी बंद पड़ी क्योंकि उन्हें सुविधाएँ नहीं मिली है, उन्हें सरकार ने चूस के खा गए, तो बंद कर दिया। एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो कि बंद पड़ा है, हम सबसे पहले उनको चालू करवाएंगे, उनका सुचारू रूप से संचालन करवाएंगे, ताकि गोविंदपुरा का युवा बाहर ना भटके और यहाँ रोजगार की उनके लिए व्यवस्था कराएंगे। रोजगार की व्यवस्था की बात हो गई है, आप अपने जो जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ कमियाँ बता रहे हैं लोग? जनता के बीच में हम जा रहे हैं डोर टू डोर में, एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर रोज चल रहा हूँ, और अभी तक मैंने 1,000 किलोमीटर की गोविंदपुरा के 18 वार्डों की यात्रा करी है। आज भी मैं कल्याण नगर में जा रहा हूँ जहाँ की जनता बड़ी त्रस्त है मूलभूत सुविधाओं से। जनता के बीच में जाके मुझे दो चीज़ देखने को मिल रही है, जनता 50 साल के इनके विकास को दिखा रही है कि देखिए कहीं नाले की गंदगी, कहीं रोड की गंदगी, कहीं गड्ढे बड़े बड़े, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं आंगनबाड़ी नहीं है, किसी भी तरह की सुविधाएं इनके बीच में नहीं आ रही। गंदा पानी यदि कहीं आ रहा है तो वहाँ गंदा पानी आ रहा है, तो जनता मुझे दिखा भी रही और ये बता रही कि इस बार हमें विकल्प मिला है, वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ एक विकल्प मिला है आम आदमी पार्टी और एक मौका केजरीवाल। तो हम इस बार आम आदमी पार्टी को चुनेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में काम हुआ है वो यहाँ भी होगा। ये थे हमारे साथ सज्जन सिंह परमार, जो कह रहे हैं कि जनता इन्हें खुद बता रही है कि 50 साल में गोविंदपुरा क्षेत्र का कैसा विकास हुआ है, अगर इनको जनता मौका देती है तो दिल्ली के मॉडल पर ये गोविंदपुरा क्षेत्र का विकास करेंगे। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। कांग्रेस सरकार में 2 लाख खाली पदों पर भर्ती,
3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, 1,500 रुपए प्रतिमाह हर स्कूली बच्चे को और हर विधानसभा में अंग्रेजी नवोदय विद्यालय। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, कांग्रेस सरकार में 2,00,000 खाली पदों पर भर्ती। 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, 1,500 रुपए प्रतिमाह हर स्कूली बच्चे को और हर विधानसभा में अंग्रेजी नवोदय विद्यालय। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।